हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 28। तो डे 28 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं डे 27 के होमवर्क का आंसर बता देना चाहता हूं आपको। तो इसमें आप लोगों का ए वाला है, ए वाला यहां पे आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। बी आपका रेक्टेंगल ए वाला है, ठीक है। बी आपका रेक्टेंगल ए वाला हो गया। ए आपका ए है बेसिकली, ए आपका बी है, ठीक है। सी की मैं बात करूँ, सी आपका ए, ए आपका सी हो गया, ठीक है। डी की मैं बात करूं, डी आपका आपको दिख रहा है कि ए हो गया आपका डी। बट ई आप कहीं से कहीं नहीं देख पाओगे, क्यों? क्योंकि ई आपका इस टाइप से कहीं पैटर्न मिल ही नहीं रहा है ना। तो ई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो 27 को क्लोज करते हैं। लेट्स मूव टू द 28। 28 पे चलते हैं हम लोग, 28 पर। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया था, डायग्राम शोज अ स्क्वायर क्विल्ट क्विल्ट दैट इज मेड ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर एंड टू साइजेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ क्विल्ट इज शेडेड, है ना, कितने परसेंट ए क्विल्ट शेडेड है ना। सो आपको दिख रहा है कि 1, 2, 3। इसके पहले मैं एक बात कर लेता हूं आपसे कि इसके पहले टोटल आइडेंटिकल स्क्वायर कितने हैं इसमें। टोटल आइडेंटिकल स्क्वायर कितने हैं आपके? देखो, 1 बाई 1 के जितने हैं वो ही आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि 2 बाई 2 का फिर डिफरेंट सेफ हो जाएगा, मतलब डिफरेंट है उसका लेंथ हो जाएगा, है ना। तो आपके 25 स्क्वायर हैं आपके जो आइडेंटिकल हैं, है ना। सिर्फ हम उसका यूनिट, मतलब 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। 25 स्क्वायर आपके आइडेंटिकल हैं। ओके, उसमें से क्या है, उसमें से आपको क्या है, चलो उसमें से आपको दिख रहे हैं 4 आपके कंप्लीटली शेडेड है ना। 1, 2, 3, 4, 4 आपके कंप्लीटली शेडेड हैं। तो हम देखते हैं शेडेड ए3 कितने, क्योंकि इसे पूछा गया व्हाट परसेंटेज कुल इज शेडेड, है ना। 4 आपके कंप्लीटली शेडेड हैं। उसके अलावा आपका 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5, 6, 7 और 8। 8 आपके ऐसे स्क्वायर हैं, 8 आपके ऐसे स्क्वायर हैं जो कि एक ट्रेंगल से उसका आग मतलब एक ट्रेंगल से शेडेड है, मतलब एक ट्रेंगल उनका शेडेड है, एक ट्रेंगल उनका शेडेड है। और स्क्वायर का कितना एरिया शेडेड है, मतलब आधा एरिया बेसिकली शेडेड है ना, आधा एरिया शेडेड है, चलो। और उसके अलावा प्लस, ओके, ए हो गया आपका। फिर आपका क्या है, 1, 2, 3, 4 है ना। 4 आपके ऐसे क्या बोलते हैं, 4 आपके एक ऐसे स्क्वायर हैं जो 2 ट्रेंगल शेडेड हैं इनके, 2 ट्रेंगल शेडेड हैं। और कितना एरिया शेडेड है, 1 बाई 4 एरिया शेडेड है इनका, है ना। 1 बाई 4 एरिया है ना इसका ये, ठीक है, 1 बाई 4 एरिया शेडेड है। ओके, 1 बाई 4 एरिया आपका शेडेड है इसका। ओके, सो इसका टोटल कितना हो जाएगा, हमारे पास शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, शेडेड एरिया कितना हो जाएगा आपका। 4 स्क्वायर तो ऑलरेडी शेडेड है ना, 4 ये हो जाएंगे मिला के, प्लस 2 ये हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर आपके ऐसे हैं जो शेडेड हैं, है ना। 10 स्क्वायर है आपके शेडेड। टोटल स्क्वायर कितने हैं आपके, टोटल स्क्वायर है आपके 25, 1 बाई 1 के, है ना। ओके, यहाँ पे सब कुछ आइडेंटिकल ही ले रहा हूँ, है ना, 1 बाई 1 है ना। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, 10 में से 25 शेड, 20 आउट ऑफ 25 10 शेडेड है, कितना परसेंट है वो,
हम देख लेते हैं, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो ये आपका है 40%, है ना। 40% आपका एरिया शेडेड है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द होमवर्क, लेट्स मूव टू द होमवर्क। चलो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप आई होप कि सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर आपको बता दूंगा, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।